हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक्स क्लस्टर। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13, अ शेल्टर सो हाई। सो यहाँ पर हम बात करेंगे माउंटेनरी एरियाज की, जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, किस तरीके की पॉसिबल है, क्या क्या चीज़ें उन्होंने वहाँ पर करनी पड़ती है अपनी लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर एक स्टोरी है एक ट्रेवलर की। ट्रेवलर का नाम है गौरव जैनी। गौरव जैनी अपनी एक बाइक के साथ अपनी पूरी जर्नी स्टार्ट करते हैं और उन्होंने अपनी बाइक को नाम दिया हुआ है लूनर। उनका पार्टनर है वो, जहाँ भी जाते हैं उसी के साथ जाते हैं। सो अपनी वो यहाँ पर जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर वो कंटिन्यू करते हैं कि हम अपना सारा टाइम साथ ही स्पेंड करते हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, वी गेट अ चांस टू गेट अवे फॉर अ बिजी क्राउडेड नॉइजी सिटी ऑफ मुंबई। वो मुंबई से निकल रहे हैं। मुंबई बहुत क्राउडेड सिटी है, बहुत ज़्यादा नॉइजी सिटी है। सो वहाँ से वो निकल के ट्रैवल करेंगे अब हमारी वंडरफुल कंट्री में, इंडिया में, और वो पहुँचेंगे वहाँ से एक जगह पे जो हम आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर वो जो उन्होंने जर्नी थी, उन्होंने अबाउट 2 मंथ्स पहले स्टार्ट करी थी। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर ये जर्नी स्टार्ट करी। उन्होंने कुछ चीज़ें पैक करी थी, जो कि एक स्मॉल टेंट था, स्लीपिंग बैग्स था, प्लास्टिक शीट्स, वार्म क्लोथ्स एंड फूड। ये सब उन्होंने इकट्ठा किया था, और फूड जो कि काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहता है, जल्दी स्पॉइल नहीं होता वो फूड, क्योंकि हमें जब भी हम माउंटेन्स पे जाते हैं हमें बहुत सारा टाइम टेंट में बिताना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें फूड अवेलेबल नहीं हो पाता। तो हमें ऐसा फूड बहुत यूजफुल रहता है ऐसी जगहों पर। उन्होंने अपना कैमरा भी लिया था और एक्स्ट्रा कैंस भी ली थी पेट्रोल के लिए। उसके बाद उन्होंने जब मुंबई छोड़ा तो वो एक स्मॉल विलेजेस और टाउन से निकले थे, और वहाँ से महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान होते हुए वो दिल्ली पहुँचे। उसके बाद जब उन्होंने 3 डेज में 1400 किलोमीटर कवर किया मुंबई से दिल्ली तक, और उसके बाद बाइक पर ही कवर किया, उन्होंने काफ़ी चीज़ें नहीं देखी, बट दिल्ली में उनको कुछ ऐसा नया नज़र नहीं आया, क्योंकि दिल्ली और मुंबई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वही सेम हाउसेस हैं वहाँ पर भी, सेम काइंड ऑफ सीमेंट, सेम काइंड ऑफ ब्रिक्स, ग्लास, स्टील, सब कुछ सेम ही है ऑलमोस्ट वहाँ पर। तो उन्हें वहाँ पर कुछ इतना ज़्यादा एडवेंचरस नहीं लगा। उन्होंने अपनी आगे जर्नी कंटिन्यू करी। उसके बाद उनको देखना था कि वुडन हाउसेस कैसे होते हैं, स्लोप्स पे लोग अपने हाउस कैसे बनाते हैं, जो वो वाले हाउस कैसे होते हैं जो पूरा स्नो से कवर्ड होते हैं, जो हम अपनी पिक्चर्स में देखते आए हैं, अपनी बुक्स में देखते आए हैं। सो वो हाउस उन्हें देखने थे। तो उन्होंने अपनी जर्नी वहाँ से कंटिन्यू करी। उन्होंने अपनी और भी जो चीज़ें उनको चाहिए थी उन्होंने दिल्ली से कलेक्ट करी। 2 डेज में वो मनाली पहुँच गए। मनाली हमारा हिमाचल प्रदेश में है। मनाली पहुंच गए, वहां पर उन्हें माउंटेन्स दिखी, वहां पर उनको क्लीन एयर मिली, वहां पर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता चला गया जैसे जैसे वो वहां आगे बढ़ते गए। वहां से उन्होंने ट्रैवल किया, जम्मू एंड कश्मीर से निकलते हुए वो पहुंच गए लेह लद्दाख, जो थी उनकी डेस्टिनेशन अभी तक के लिए। वो पहुंच गए लेह इन लद्दाख। लद्दाख में पहुंचने के बाद अब वहां पर चेक इन योर मैप विद स्टेट वुड वन पास थ्रू वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर। अब यहाँ पर मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूंगी कि अगर आप मुंबई से कश्मीर की तरफ निकलते हैं, ये रहा हमारा मुंबई, आप यहाँ देख रहे हो ये मुंबई है नीचे बिल्कुल। अब यहाँ मुंबई से जा रहे हैं हम कश्मीर की तरफ, मुंबई से हम ऊपर होते हुए जाते हैं तो सूरत आता है, सूरत से हम गुजरात में एंटर कर जाते हैं, यहाँ पे गांधीनगर, राजकोट आता है, फिर आगे हम उदयपुर पहुँच जाते हैं राजस्थान, जयपुर क्रॉस करते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद हम यहां से आगे हरियाणा की तरफ से होते हुए सोनीपत, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ पहुंचते पहुंचते हम धीरे धीरे श्रीनगर की तरफ टॉप पर पहुंच जाते हैं। सो ये थी हमारी प्रॉपर जर्नी जो उन्होंने वहां से यहां तक, मुंबई से कश्मीर तक उन्होंने ट्रेवल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव जैनी पास थ्रू सेवरल स्टेट वाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, फाइंड द कैपिटल सिटीज ऑफ दी स्टेट्स, वेयर आर वन दे गोइंग टू बिग टाउन ऑन हिज वे। कहाँ जा रहे थे वो, क्या क्या उन सिटीज की कैपिटल्स हैं, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। इस मनाली अ प्लेन और हिली एरिया। मनाली एक हिली एरिया है, मोस्टली लोग वहाँ पर अपनी वेकेशन के स्पेंड करने के लिए जाते हैं, और वो कौन से स्टेट में है मैंने आपको बताया था अभी कि वो हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। न्यू मून, लूनर और लूनर जो उन्होंने अपनी बाइक को नाम दिया था, ये रही लूनर। इन्होंने
अपना डिस्टेंस काफी डिस्टेंस कवर कर लिया था, हर दिन वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे थे। उन्होंने क्या किया उसके बाद, उन्होंने एक टेंट बना लिया और काफी ज्यादा ठंडी हवा चल रही थी, उस नायलोन के टेंट में उन्होंने अपना अपना पूरा बिस्तर वगैरह लगा के वहां पर वो सो गए। लूनर को भारी खड़ा रखा, लूनर उनके गार्ड टेंट को गार्ड कर रही थी, उनके पास ठंडी हवा फिर भी आ रही थी, साउंड ऑफ बर्ड्स थी, और वो सुबह जब उठे तब उन्होंने ये चीजें एक्सपीरियंस करी। ever stayed in tent? क्या आप कभी किसी हिल स्टेशन पे गए हो, क्या किसी कैंपिंग एरिया पे गए हो जहाँ पर आपने टेंट्स वगैरह का यूज किया है? इमेजिन दैट यू वर टू स्टे अलोन इन द स्मॉल टेंट फॉर टू डेज एंड कुड टेक विद यू ऑल 10 थिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ। अगर आपको कभी कोई 10 डेज के लिए किसी टू डेज के लिए किसी टेंट में रुकने के लिए कहे, तो कौन सी ऐसी 10 थिंग्स है जिसको आप अपने पास रखना चाहोगे, कौन सी ऐसी यूजफुल 10 थिंग्स है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी? व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउस दैट हैव यू सीन? आप कभी ऐसे एरिया में गए हो तो आपने कौन से वहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस देखे हैं? नेक्स्ट थिंग, ओल्ड डेजर्ट। एट लास्ट लूनर एंड आई रीच ले, अब वो ले पहुंच गए हैं। अब ले पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले वहां पे क्या नोटिस किया कि वहां का जो एरिया था वो काफी ज्यादा हाई था, ड्राई था, फ्लैट था, और उसे ही कहते हैं कोल्ड डेजर्ट। ठंड थी पर डेजर्ट था। अब जो लद्दाख है उसमें काफी कम रेनफॉल होती है, बारिश बहुत ज्यादा कम होती है क्योंकि एक तरह का डेजर्ट ही है वो वहां पर। उसकी जो माउंटेन्स है वो स्नो से कवर्ड अप है, वहां पर बिल्कुल जो ग्राउंड है वो बिल्कुल कोल्ड है और वो फ्लैट है। नेक्स्ट थिंग, इन ले उन्होंने देखा कि वहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चुप है, मतलब लोग नहीं है वहाँ पर स्ट्रीट्स पे, और जो वहाँ के हाउस हैं वो वाइट कलर के बने हुए हैं जो कि बहुत सुंदर हैं। धीरे धीरे वो रोड क्रॉस कर रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, कुछ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हैं जो उनके पीछे पीछे आ रहे हैं और वो उन्हें एक चीज बोल रहे हैं जूल जूल, जिसका मतलब है वेलकम वेलकम। वो उनका वेलकम कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आए हैं, तो उनको उस चीज के लिए वो वेलकम कर रहे हैं। सो वहां पर क्या हुआ, एक एट होम विद ताशी, ताशी एक है बच्चा जो उनको अपने घर की तरफ खींच के ले गया। ताशी का जो घर था वो सिर्फ 2 फ्लोर का था, मोस्टली वहां पर जितने भी घर बने हुए हैं 2 फ्लोर के बने हुए हैं। जो वो दो जो हाउस है ना वो स्टोन्स के बने हुए हैं, ठीक है, और विच वर कैप्ट वन ओवर द अदर, इस एक स्टोन ये रहा उसके ऊपर एक स्टोन रखा हुआ है, ऐसे कर करके उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं। जो वॉल्स हैं उन्होंने उनको मड से बनाया हुआ है, मड और लाइम से वो वॉल्स बनी हुई है। जो हाउस है वो शेड की तरह दिखता है इनसाइड से, एंड लॉट ऑफ हैव स्टोर्ड देयर। जो वुडन स्टेप्स बनी हुई है उन्होंने, अगर जो सीढ़ियां जिसे कहते हैं, सीढ़ियां लगा रखी है फर्स्ट फ्लोर के पे जाने के लिए। सो ताशी आप पिक्चर में देख सकते हो कि किस टाइप के घर है यहाँ पर। और यहाँ पर उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया जो ग्राउंड एरिया है, जहाँ जो उनका ग्राउंड लेवल है घर का, वहाँ पर वो अपने एनिमल्स को रखते हैं और भी जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं उनको वो ग्राउंड लेवल पे रखते हैं। और जब भी कभी कुछ ज़्यादा ही ठंड हो जाती है तो वो उनको भी अपने साथ ऊपर ले जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। उन्होंने नोटिस किया कि जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे कोई विंडो नहीं, एक थिक ट्री टर्न वर यूज टू मेक सच अ स्ट्रॉन्ग रूफ, जो उनकी रूफ बनाई जाती थी वो थिक ट्री से बनाई जाती थी। ताशी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस, और वहां से उन्होंने जब व्यू लिया ले का तो बहुत ही अमेजिंग व्यू था। उन्होंने पूरा व्यू देखा वहां से ताशी के हाउस पे से। उन्होंने देखा कि सब जगह सब स्मॉल फ्लैट रूफ्स ऑल अराउंड, सम ऑन सम रेड चिलीज वर लेड आउट टू ड्राई एंड सम वर ऑरेंज पंपकिंस एंड गोल्डन येलो कॉर्न, ये सब उनको ऊपर से नजर आया। उन्होंने देखा कुछ लोग पैडी उगा रहे हैं, कुछ लोग काओ डंग्स केक्स कर रहे हैं, और कुछ लोग उनको सुखा रहे हैं, अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, वो सब उन्होंने ऊपर से नोटिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर हाउस सेट ताशी, ताशी ने कहा कि ये हमारे घर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इम्पॉर्टेंट पार्ट है? क्योंकि जब समर होते हैं तो हम यहाँ पर अपने जो फ्रूट्स होते हैं उनको ड्राई वेजिटेबल्स को ड्राई करने के लिए हम समर में उनको यहाँ पे लगा देते हैं, और हम विंटर में हमें फ्रेश फूड नहीं मिलते इसलिए हम उनको स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट थिंग, एज आई स्टूड देयर विद ताशी आई कुड सी हाउ एवरी पार्ट ऑफ द हाउस वॉज बिल्ट स्पेशली टू सूट विद द नीड्स ऑफ हिज पीपल। अब यहाँ पर जो अब हर कोई अपने हिसाब से हाउस बनाता है, यहाँ पर जो लोगों ने हाउस बनाए हुए थे वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ही बनाए हुए थे। उनके जो वॉल थी वो बहुत ज़्यादा थिक थी, उनका जो वुडन फ्लोर था वुडन सीलिंग थी ताकि वो उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट थिंग,
During winter, Sashi and his family live on a ground or ground floor. Why would they be doing so? अब जब ठंड ज़्यादा हो जाती थी तो वो downstairs में क्यों आ जाते थे? तो वो इसलिए आ जाते थे क्योंकि ठंड जो है वहाँ पर windows वगैरह नहीं थी तो हवा नहीं आ सकती थी अंदर, इसलिए वो ground floor पर आ जाते थे. What is the roof of your house like? आपके घर में जो roof है वो कैसी बनी हुई है? What all is used? आप क्या चीज़ आपने use करके अपने घर की roof बनाई थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. पीपल लिविंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अब उससे भी वो आगे गए. अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो उनकी लूनर थी, जो बाइक थी, उसका काफी टफ टाइम रहा है कि उसने बार बार जिगजैग पाथ क्रॉस किया है. नैरो एंड रॉकी माउंटेन्स रोड उसने वो क्रॉस करी है. अब यहाँ पर कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर रोड्स ही नहीं है, सिर्फ पत्थर है, स्टोन से, और उनपे बाइक का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो वो मूव कर रहे थे रॉकी प्लेन, जहाँ पे जगह का नाम है चंगथांग. चंगपा एक लैंग्वेज है जिसमें चंगथान का मतलब होता है कि जहाँ पे काफी कम लोग रहते हैं उस जगह को हम चंगथांग कहते हैं. जो ये प्लेस है ये 5000 मीटर्स अबव बना हुआ है प्लेन से. इट वॉज सो हाई दैट यू कैन नॉट ब्रीथ देयर नॉर्मली. ब्रीथिंग इज वेरी मच डिफिकल्ट हियर. आप वहाँ पर हेडेक फील कर सकते हो, आप वीक फील कर सकते हो क्योंकि आपको वहाँ पर आप ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है. ओके, देन आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रीथिंग इन सच एयर. धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, जैसे उन लोगों को हो गई है जो वहां पर रह रहे हैं. कुछ टाइम बाद वहां पर वहीं पर रहने के बाद और वहां के एरिया को देखने के बाद उन्हें वहां पर दिखा कि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग तो बहुत ही कम है. कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है, कोई मशीन ही नहीं है, सिर्फ ब्लू स्काई है, ब्यूटीफुल लेक्स है, बस यही है यहाँ पर. मेनी डेज एंड नाइट पास्ट. लूनर और वो चलते जा रहे थे. सडनली एक मॉर्निंग क्या हुआ, उन्होंने देखा एक ग्रासी लैंड, फ्लैट ग्रासी लैंड, जहाँ पर बहुत सारी शीप्स और गोट ग्रेजिंग कर रहे थे. और वहाँ पर एक टेंट था जहाँ पर कुछ लोग रह रहे थे. अब वो वहाँ क्या कर रहे थे, वो कुछ लोग हैं जो आसपास अपने गांव को गोट्स वगैरह को चराने आते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं. एट वट हाइट इज द प्लेस वेयर यू. अब आपका जो घर है वो कितनी हाइट पे बना हुआ है? क्या आप हिली एरिया पे रहते हो? अगर प्लेन में रहते हो तो भी बताना, हिली रहते हो तो भी मुझे बताना. Why did Gaurav Jaini say this place is so high that it's difficult to breathe? अब उसने ये क्यों कहा था? वो इसलिए कहा था क्योंकि जैसे ही हम हमारे जो हम चलते चलते काफी ऊपर पहुंच जाते हैं ना, अपने जैसे हम आप इसको ऐसे मान के चलो कि आप यहाँ पर ग्राउंड पे हो, ठीक है, आप धीरे 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 चलते चलते ऊपर जाते जा रहे हो, ऊपर स्काई की तरफ जा रहे हो. जैसे ही आप स्काई के पास पहुंचते जाते हो ना, तो आपका जो हमारा ऑक्सीजन लेवल होता है ना, ऑक्सीजन जिसकी वजह से हम ब्रीथ कर पाते हैं, अभी आप सिर्फ इतना समझो, जिसकी जिस चीज से ब्रीथिंग पॉसिबल है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाती है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो सर्वाइवल है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. यही रीजन है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट जब गए थे, हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा था कि एस्ट्रोनॉट जब गए थे तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ा था क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन नहीं मिलती. ओके, और हाँ, आज हमने वो स्टोरी भी तो पढ़ी थी सुनीता विलियम्स की, उनको भी तो प्रॉब्लम हुई थी वहां पर, तो वो भी अपने साथ ये सब चीजें लेके जाते हैं. नेक्स्ट थिंग, ओके, द चंगपा. आई मेट नंगयाल एंड केम टू नो अबाउट द चंगपा. अब वहां पे वो नंगयाल से मिले हैं, जो एक ट्राइब है. चंगपा के बारे में उन्हें पता चला, जो कि एक ट्राइब है वो जो माउंटेन्स पे रहती है. चंगपा में अराउंड 5000 पीपल हैं. चंगपा जो है वो मूव करते रहते हैं, मैंने आपको बताया, गोट्स और शीप्स को लेकर, और जहाँ पर भी उनको मिलता है वो वहाँ पर वो चीज़ें अपनी ले लेते हैं. इट इज़ फ्रॉम दीज दैट दे गेट ऑल दे नीड. उसी से वो सब कुछ लेते हैं, मिल्क, मीट, स्किन फॉर टैंट्स एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स. ये गोट्स से ही सब कुछ वो करते हैं. गोट्स से वो सब कुछ ले लेते हैं. इफ अ फैमिली हैज मोर एनिमल्स इट इज कंसिडर मोर रिच. अब जिस फैमिली के पास, जैसे आजकल की हमारी सिचुएशन में जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा वो रिच, लेकिन यहाँ पर जिसके पास जितनी ज्यादा गोट और शीप उतना ज्यादा वो रिच. सो यहाँ पर वो जो गॉड से है वो काफ़ी चीज़ें फेमस है. अब वहाँ की फेमस चीज़ क्या है, पश्मीना वुल, जिससे हम पश्मीना शॉल बनाते हैं. जो पश्मीना शॉल होती है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में भी आपको गर्म रखती है, और वो इन्हीं के वूल से बनती है. सो चंगपा क्या करते हैं, अपनी गॉड्स वगैरह को ग्रेस करवाने के लिए हायर एल्टीट्यूड्स पे लेकर आते हैं, कोल्ड प्लेसेस पे लेकर आते हैं, ताकि जो उनके जो फर है और वो बहुत सॉफ्ट रहे. और वो दिस स्टे हाई अपॉन अ माउंटेन वेरी डिफिकल्ट कंडीशन बिकॉज
दैट इज वेयर दीज गॉड्स कैन लिव, बिकॉज वो इसी एरिया में सर्वाइव कर सकती हैं गॉड्स, इसीलिए ये लोग भी इन्हीं के साथ यही रहते हैं, ये लोग यहाँ से नहीं जाते क्योंकि इनका लाइवलीहुड भी तो इन्हीं पर डिपेंड करता है, अब इनको छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे। आई वॉज कैरिंग वेरी लिटल ऑफ माई बिलोंगिंग्स ऑन माई मोटरसाइकिल बट द चंक्स पास कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेज एंड यार। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी मोटरसाइकिल पे कुछ ही चीजें लेके गया था जो जो मुझे जरूरत है, लेकिन उनके पास सब कुछ था जो उन्हें चाहिए होता है। उनको इट टेक्स देम ओनली 2.5 आवर टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड। वो इतनी जल्द, उन्होंने सिर्फ 2.5 आवर लगाए, 2.5 घंटे लगाए, अपना सब कुछ पैक किया और आगे बढ़ गए जहाँ पे कहीं और जगह पे उनकी गोट्स वगैरह को रोक सके और वो चर सके या फिर ग्रेस कर सके। ओके, अब उन्होंने क्या किया, यू आर ऑलमोस्ट इन टू योर होम him to a big cone shaped tent. अब नंग्याल ने बोला यहाँ पर you are almost into our home. आप हमारे घर में वेलकम हो, यू आर मोस्ट वेलकम इन टू आर होम। हम जब भी हमारे कोई घर आता है हम उसको ये बोलते हैं। नंग्याल ने यही बात बोली गौरव को। दे कॉल देयर टेंट रिबो, अपने टेंट को वो रिबो बोलते थे। याक हेयर इज वोवन टू मेक स्ट्रिप्स विच वर स्टिक टूगेदर। याक हेयर यूज किए जाते हैं स्ट्रिप्स बनाने के लिए। दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड वार्म एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स। जब भी बहुत ज्यादा बर्फीली हवाएं चलती थी तो वो याक हेयर उनको उस चीज से बचाते थे। आई सॉ दैट द स्ट्रिप्स वर टाइटली टाइड विद अ 9 sticks. The ground is dug about 2 feet deep. The tent is then put up around this on the higher part of the ground. Next thing. अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको पश्मीना शॉल के बारे में बताया कि ये जो पश्मीना शॉल है ये बहुत ज्यादा वार्म होती है। ये एक शॉल 6 sweater के मुकाबले है। तो आप सोच लो कि आप 6 sweater पहनते हो और एक पतली सी शॉल उसका कंपैरिजन कर सकती है तो ये कितनी गर्म होगी। अगर आपके यहाँ पर टेम्परेचर 0 degree से -40 degree Celsius तक जाता है तो आपके लिए ये शॉल्स बस सब कुछ है, क्योंकि अगर आप इसको ले लेते हो तो आपको ठंड लगी ही नहीं सकती, क्योंकि 6 sweater के कंपेरेटिव है ना ये। और ये किससे बनती है, गॉड के हेयर से बनती है ये। यही शॉल यूज की जाती है और ये काफी बड़ी होती है, काफी फैली हुई होती है और इसको बनाने में भी 250 आवर्स लगते हैं इसकी वीविंग में। ओके, और ये जो होती है काफी सिंपल सी होती है, बहुत हल्की एम्ब्रॉयडरी होती है। आप इस पे ये देख सकते हो, यहाँ पर आपको पिक्चर में शो होगा, और ये बहुत सुंदर होती है और सॉफ्ट भी होती है ये शॉल। ओके, नेक्स्ट थिंग, एज वी स्टेप इन टू द टेंट आई रियलाइज दैट आई कुड स्टैंड अप स्ट्रेट। इट वॉज नॉट लाइकली माई टेंट, कहते हैं कि जब मैं टेंट के पास गया तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं इसमें खड़ा हूँ, क्योंकि वो उनकी हाइट के कंपेरेटिव वो टेंट जो था वो छोटा था। आई ऑल्सो सॉ दैट द रिबू वॉज अ बिग एज अ रूम ऑफ माई फ्लैट इन मुंबई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये यहाँ पर वो जो उन्होंने टेंट रिबू अपने वो टेंट को बोलते हैं, तो उनका जो ये टेंट था ना वो उसके मुंबई वाले घर के एक बड़े रूम के बराबर था। तो अभी तक वो जितना टेंट बना रहा था वो तो छोटा सा था, लेकिन जब इन्होंने बनाया तो देखा बड़ा टेंट था इनका। सो ये यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा लोग इनके साथ चलते थे तो ये अपने सारी चीजें अपने साथ लेके चलते थे, उस हिसाब से इन्होंने अपना टेंट बनाना भी सीख लिया। इट वॉज हेल्ड अप बाई 2 wooden poles. इन द मिडल देयर वॉज एन ओपनिंग ऑफ, आप यहाँ देख सकते हो 2 pole लगा रखे हैं, बड़े बड़े पोल्स, उस पर उन्होंने वो गाड़ रखा है और एक ओपनिंग भी है जहाँ से लोग बाहर आते हैं। ओके, ये जो टेंट था उन्हें प्रोटेक्ट करता था एक्सट्रीम कोल्ड से। और जो इनका ये डिजाइन है ये 1000 years old है, ये काफी टाइम से ये चीज करते आ रहे हैं। ओके, हाउ कोल्ड मस्ट इट बी, अब यहाँ पे कितने ज्यादा ठंड हो सकती है। अब आप ये मान लो कि यहाँ पे 70 km/h की स्पीड से ठंडी हवाएं चलती थी तो सोच लो कितनी ज्यादा यहाँ पर ठंड होगी। नियर द रिबो देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शीप्स एंड गोट्स। चंकपास कॉल दिस लेखा, अब उन्होंने एक जगह बना रखी थी जिसको वो लेखा कहते थे, वहां उनकी गोट्स वगैरह जो थी ना वो रेस्ट करती थी। आप यहाँ देख रहे हो ये यहीं पे रेस्ट कर रही है, सो ये सब वहीं पे रेस्ट करती थी। उन्होंने उसको नाम दिया था लेखा, और ये जो लेखा थी ये बने हुए थे स्टोन से। और ईच फैमिली पुट अप अ मार्क ऑन देयर एनिमल्स, हर एक फैमिली अपने एनिमल्स में मार्क लगा के रखती थी। द वुमेन एंड यंगर काउंट एंड ईच फैमिली एनिमल्स आउट ऑफ द लेखा, यहाँ पर उनको गिन के रखा जाता था कि आप कभी कहीं कोई गुम ना हो जाए इसलिए मार्क लगाया जाता था।
नेक्स्ट थिंग फॉर द चंगफा देयर फैमिलीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ इज एनी एनिमल पार्ट ऑफ योर लाइफ. अब एनिमल्स इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. क्या कोई ऐसा एनिमल आपकी लाइफ में है जो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो? अब जैसे कुछ लोग फार्मिंग से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो फार्म जो एनिमल्स उनकी फार्मिंग में हेल्प करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. लिस्ट फाइव वेज इन विच डिफरेंट एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. कौन से ऐसे पांच तरीके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में जिससे आप ये प्रूफ कर दें कि एनिमल्स आपकी लाइफ का बहुत ही एसेंशियल पार्ट है. किस तरीके से डू गोट एंड शिप नीड देयर ओन ओन फर और वूल? अब क्या गोट और शिप को अपनी खुद की फर जो फर होते हैं वूल होते हैं उनकी जरूरत होती है? हाँ जरूरत होती है, क्योंकि अगर उनके पास ये नहीं होंगे तो वो इतने ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट टेम्परेचर below 0 degree Celsius, look at the newspaper on the TV to find out the cities in in India or abroad where the temperature drops below 0 degree Celsius. अब आपने मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी countries के नाम बताने हैं, कुछ ऐसे area के नाम बताने हैं जो India में हैं या outside India हैं जहाँ पर temperature 0 degree से नीचे जाता है. Next thing, towards श्रीनगर, श्रीनगर की तरफ चल पड़े. उन्होंने यहाँ पर काफी दिन बिताए चंगफा के साथ, बट सैडली इट वॉज अ टाइम टू मूव ऑन. माई रिटर्न जर्नी कुड टेक मी अवे फ्रॉम दिस स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टूवर्ड द टाउन विच आई लुक इज अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड. अब उनको अपने वापस उसी जगह पे जाना है. अब वहां पर क्या है ना, जो उनकी जो जिंदगी थी जहां से वो आए थे और ये जो जिंदगी थी उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था, तो वो थोड़ा सैडली फील कर रहे थे. सो अब उन्होंने अपना जो रूट था डिफरेंट रूट चूज किया. अब वो निकल गए श्रीनगर की तरफ वाया कारगिल. अब वहां पर उन्होंने काफी अमेजिंग थिंग देखी. वहां पे उनको काफी अमेजिंग बिल्डिंग्स मिली, डिफरेंट हाउसेस मिले. फिर वो श्रीनगर में रुके कुछ दिन के लिए और वो बहुत ज्यादा अमेज थे वहां के भी हाउसेस देख के, बहुत ही सुंदर थे. और जो कुछ हाउसेस थे जो वो माउंटेन्स में बने हुए थे, कुछ पानी में बने हुए थे, उन्होंने उनकी पिक्चर ली और आप यहाँ पे वो पिक्चर्स देख सकते हो. यहाँ पर आप देख रहे हो ये यहाँ पर मोस्टली श्रीनगर में यही चीज देखने आते हैं. ये हाउस बोट्स हैं, ये 80 फीट लॉन्ग है और अराउंड 8-9 फीट वाइड है. आप सोच सकते हो कितनी बड़ी है. और यहाँ पर ये डोंगा, इनका नाम डोंगा है, ये बोट्स डल लेक में पाई जाती हैं या फिर झेलम रिवर में. और ये हाउस है और यहाँ पर लोग रहते हैं. इसमें काफी रूम्स भी बने हुए हैं. ये आप देख सकते हो, ये जिक्सो पजल है और इस डिजाइन को कहा जाता है कटम बंद. ये डिजाइन का नाम है और ये कर्विंग्स उन्होंने अपने हाउस बोट्स में बना रखी है. नेक्स्ट थिंग आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये ओल्ड हाउस, वहाँ पे उनकी विंडोज आप देख सकते हो कितनी प्यारी बनी हुई है. हाउस के बाहर निकल के उन्होंने विंडो पैटर्न बनाए हुए हैं और सारे पैटर्न के वुड के बने हुए हैं. और यहाँ पर ये विलेज है कश्मीर का और यहाँ पर ये जो हाउस बने हुए हैं ये स्टोन के बने हुए हैं. एक ही स्टोन को कट करके अलग अलग तरीके से बनाया गया है, मड के बने हुए हैं. वुड भी यूज होता है इसमें, जो हमारे रूफिंग जो स्लोप की रूफ का बनाने के लिए वुड यूज करता है. और ये आप यहाँ पे देख रहे हो स्टोन्स का भी यूज हुआ हुआ है और डोर्स के लिए इन्होंने वुड का यूज किया है. और जो ये आर्क्स है ये काफी सुंदर है, यहाँ पर आप देख रहे हो. Next thing, when I started my journey, I had not imagined that in one state I could see so many different things. कहते हैं जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी मुझे लगा नहीं था कि एक स्टेट में मैं इतना कुछ अच्छा देखूंगा, इतने अच्छे अच्छे हाउस देखूंगा, इतना अच्छा लाइफ स्टाइल देखूंगा. लेकिन जो उनका एक्सपीरियंस था माउंटेन्स में, ले में और यहाँ पर श्रीनगर में, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था. उन्होंने दोनों टाइप के हाउस देखे, दोनों जगह का क्लाइमेट एक्सपीरियंस किया. ओके, यहाँ पर शिकारा राइड का मजा लेते हैं डल लेक में. रिटर्न जर्नी, अब वो रिटर्न जर्नी कर रहे थे. अगेन इट वाज टाइम टू मूव ऑन. इन जम्मू आई सॉ हाउसेस लाइक आई हैव बीन सीन इन मुंबई. अब वहां पर जम्मू में उन्होंने कुछ ऐसे हाउस देखे जैसे वो मुंबई में देखते थे. सेम सीमेंट ब्रिक स्टील एंड ग्लास सेम थिंग्स वर यूज्ड. वो हाउसेस काफी स्ट्रांग थे बट दे आर नॉट As special as the houses, I was lucky to see Leh and Srinagar. वो अपने आप को लकी महसूस कर रहे थे कि उन्होंने Leh और श्रीनगर को एक्सपीरियंस किया, क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटीज हैं. After a long journey, Lunar and I were about to reach Mumbai. अब वो अपना मुंबई पहुंचने वाले थे और वो वहां मोटरसाइकिल से
ही ऑल्सो फेल्ट दैट माई मोटरसाइकिल डिड नॉट वॉन्ट टू कम बैक. वो कह रहे थे कि मेरी मोटरसाइकिल को भी ऐसा लग रहा है कि हमें कहीं हमें वापस नहीं जाना. वो थोड़ा सैड फील कर रहे थे बट वो हैप्पी थे कि उन्होंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस किया इतने सारे दिन में और वो काफ़ी मेमरीज अपने कैमरे में कैद कर वापस जा रहे थे. नेक्स्ट टाइम वो किसी और सिटी के साथ जर्नी करना चाहेंगे. और ये एक पिक्चर है जहाँ बेकरी स्टोर है कश्मीर में, वहाँ पर वो कुछ आइटम्स बना रहे हैं. अब यहाँ पर आपने मेरे को एक क्वेश्चन के आंसर देना है. द हाउस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर मेड टू सूट द क्लाइमेट्स एंड द नीड्स ऑफ पीपल देयर. आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस इन द प्लेस वेयर यू लिव. क्या आपके भी आसपास डिफरेंट काइंड के हाउस बने हुए हैं क्लाइमेट को देखकर या किसी और सर्कमस्टांसेस को देखकर, या फिर सारे हाउसेस सेम हैं, ये आप मुझे बताइए. थिंक ऑफ योर ओन हाउस, इज देयर समथिंग स्पेशल इन इट लाइक अ स्लोपिंग, आपकी जो रूफ है क्या वो वुड की बनी हुई है, कुछ अलग है आपके घर में, कुछ ऐसी चीज है जो किसी और के घर में नहीं बनी हुई लेकिन आपके घर में बनी हुई है, उसकी ड्राइंग बनाइए और मुझे जरूर भेजिएगा. What are the material? कौन से material आपने use करे हैं अपने घर को बनाने के लिए? Is it mud, brick, stone, wood or cement? Now, अब आप यहाँ picture देख रहे हैं और आप इस picture में काफ़ी सारे घर देख रहे हैं. आप यहाँ देख रहे होंगे इस picture में आपको काफ़ी सारे घर दिखे होंगे. अब जो ये houses हैं ना, ये stone या mud के बने हुए हैं, यहाँ पर कोई नहीं रहता winters में. Summer में यहाँ पर बरकास पीपल्स आते हैं और वो यहाँ पर रहते हैं अपने हायर जो अपने गोट्स वगैरह को ग्रेज करवाने के लिए. कैन यू गेस द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ बरका पीपल्स एंड द लाइफ ऑफ पीपल हु लिव्स इन चंगपास. अब चंगपा में और इनमें क्या डिफरेंस है? अब आपको मैंने बताया था कि चंगपा जो है जो जहाँ जाते हैं वहाँ अपना घर बना लेते हैं, बरका पीपल ने ऑलरेडी बना रखे हैं और वो वहीं जाके रहते हैं. सो क्या क्या डिफरेंस है, एक मैंने बता दिया, बाकी आप मुझे बताइएगा. नेक्स्ट थिंग What we have learned. अब हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यहाँ पर कि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पर लोग हाई माउंटेन्स में कैसे सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे जो पानी में उन्होंने अपने घर कैसे बना रखे हैं, उनका जो डिज़ाइन है वुड स्टोन मड अलग अलग तरीके से उन्होंने कैसे कर रखा है, किस तरीके से वो शेल्टर लेते हैं, किस तरीके से वो जो अपने एनिमल्स हैं उनकी स्किन उनके फर का यूज़ करके डिफरेंट आइटम्स बनाते हैं जो आजकल हम यूज़ करते हैं, उनके हाउस हमारे हाउस से कैसे डिफरेंट है, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा. फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. थैंक यू.